कि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन कर लेती है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी और उसके बाद जो है क्या होता है स्पीड और फर्दर नहीं बढ़ती है ठीक है तो देखिए बच्चों इस नीट के सवाल में भी ऐसा ही ग्राफ हम लोग कौन सा देख पा रहे हैं ये जो बी वाला ग्राफ है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को ये क्या कर रही है अटेन कर ले रही है आफ्टर सम टाइम है ना जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी है ना और उसके बाद इसकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ती है ठीक है क्योंकि उस इंस्टेंट पे क्या हो जाता है कि जो नीचे इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है है ना ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ जो फोर्स लग रहा है ये तीनों क्या हो जाते हैं ये तीनों का रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाता है और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या आ जाता है इस वजह से जीरो और स्पीड जो है वो क्या हो जाती है फिक्स्ड हो जाती है और वो कितने के बराबर हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ठीक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर दैट इज

क्लियर ये बात यहां पर बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि एस क्या है एस यहां पर है सरफेस टेंशन ठीक है और आर यहां पर क्या है रेडियस है right. तो हम लोग बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि अगर आप रेडियस को क्या करेंगे अगर आप रेडियस को बढ़ाएंगे है ना सो बबल एक्सपैंड का मतलब क्या हो गया रेडियस बढ़ रहा है तो इस वजह से ये टर्म जो है ये क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है और इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या होता जा रहा है छोटा होता जा रहा है इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है इन साइड द बबल इट डिक्रीजेस राइट